हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू पेशेंट के लिए हम क्या डाइट प्लान कर सकते हैं जिससे कि उसकी प्लेटलेट ग्रो हो सके, और प्लेटलेट ग्रो करने के लिए हम कौन सी फ्रूट्स ले सकते हैं, कौन सी डाइट ले सकते हैं और कौन सा लिक्विड ले सकते हैं। सबसे पहले डेंगू में पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। इसमें डेंगू पेशेंट को कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड या वाटर देना होता है, जिसमें हम कोकोनट वाटर दे सकते हैं, ORS सॉल्यूशन दे सकते हैं और लेमन वाटर दे सकते हैं, IV फ्लूड दे सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। यह हम डेंगू पेशेंट को एक दिन में 3 से 4 लीटर फ्लूड दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रोटीन रिच डाइट की, कि हमें इस डाइट में क्या देना चाहिए। हम चावल दे सकते हैं, खीर के चावल खिला सकते हैं डेंगू पेशेंट को, ये प्रोटीन डाइट होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेंगू पेशेंट को हम कौन से फ्रूट दे सकते हैं जिससे कि डेंगू पेशेंट की प्लेटलेट्स ग्रो होए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। सबसे पहले हम कीवी फल दे सकते हैं। प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में कीवी फल काफी लाभदायक होता है। इसके साथ में है हम पपीता या पपीता के पत्ते का जूस दे सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं डेंगू पेशेंट को, जिससे उसकी प्लेटलेट्स बढ़ने में लाभदायक होता है। इसके साथ में है हम नीम गुलाब का पेस्ट दे सकते हैं, इससे डेंगू पेशेंट की प्लेटलेट बढ़ने में बहुत लाभदायक होता है। और डॉक्टर की एडवाइस से अगर फीवर आ रहा है तो हम PCM टेबलेट दे सकते हैं TDS डोज में। दोस्तों पेशेंट डेंगू पेशेंट को पैनिक नहीं होना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।